हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई गई और मैंने अखबार में पढ़ा कि प्रधानमंत्री ने कहा मैं शिवाजी महाराज से माफी मांगता हूं। मैं ये समझना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी ने किस कारण माफी मांगी। पिछले दिनों सिंधुदुर्ग में जो हुआ मेरे लिए, मेरे सभी साथियों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है, हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है, हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। यहां कुछ ही दिन पहले शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई गई और मैंने अखबार में पढ़ा कि प्रधानमंत्री ने कहा मैं शिवाजी महाराज से माफी मांगता हूं। अब मैं ये समझना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी ने किस कारण माफी मांगी। अलग अलग कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है कि ये जो मूर्ति थी इसका कॉन्ट्रैक्ट आरएसएस के एक व्यक्ति को दी गई। पहला कारण यह हो सकता है। शायद प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि नहीं, मैंने गलती की, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट आरएसएस के व्यक्ति को नहीं देनी थी, ये मुझे कॉन्ट्रैक्ट मेरिट पे देना था, शायद वो गलती हो सकती है। दूसरी गलती हो सकती है कि मूर्ति के बंदे में भ्रष्टाचार हुआ, चोरी हुई, शायद प्रधानमंत्री इसके लिए माफी मांग रहे हैं कि मैंने जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया उसने भ्रष्टाचार किया, महाराष्ट्र के लोगों से चोरी की। यह कारण हो सकता है। तीसरा कारण हो सकता है कि आपने शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई, उनकी याद में आपने मूर्ति बनाई और आपने इतना भी ध्यान नहीं दिया कि वो मूर्ति खड़ी रहे। मैं आपको गारंटी देता हूं कदम जी की जो मूर्ति बनी है ना, आप यहां 50, 60, 70